दोस्तों, आपने सुशील कुमार के बारे में लगभग हर बातें जान ली, लेकिन अब जानते हैं उनके परिवार के बारे में कि किस स्ट्रगल, किस मुसीबत के साथ सुशील कुमार को आगे बढ़ाकर उन्होंने पहलवान बनाने का फैसला किया। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो भारत देश में क्रिकेट जैसे खेलों को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलती है, लोग उन्हें देखना भी पसंद करते हैं करोड़ों की संख्या में। लेकिन जब सुशील कुमार ने पहलवान बनने की ठानी थी, तब उनके लिए कोई और आइकन नहीं था। यानी कि जैसे अब आज के समय में देखा जाए तो कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, उससे पूछते हैं कि आप क्यों खेल रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो वो कहता है मैं विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन सुशील कुमार ने के लिए ऐसा कौन सा आइकन था जिसको देखकर वो बनना चाहते थे कि हाँ, मेरे को पहलवानी में इनकी तरह बनना है। तो सुशील कुमार ने दोस्तों सतपाल जी से एक ट्रेनिंग लेना शुरू करा, और ये बताया जाता है कि किस प्रकार से सुशील कुमार ही नहीं बल्कि उनके भाई, जिनका नाम संदीप बताया जाता है, चचेरा भाई, वो भी कुश्ती में काफ़ी माहिर था, लेकिन परिवार की जर्जर हालत की वजह से सिर्फ सुशील को बढ़ाने का ही फैसला किया था। सुशील के परिवार की बात की जाए तब उनके पिता का नाम दीवान सिंह है। सुशील कुमार का भी पूरा नाम दोस्तों सुशील कुमार नहीं बल्कि सुशील कुमार सोलंकी है। पिता का नाम दीवान सिंह है, जो MTNL में ड्राइवर हैं, ड्राइवर थे दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि कितने स्ट्रगल के दौर से उनके माता पिता गुजरे, जिसके बावजूद सुशील कुमार की डाइट को मेंटेन रखा। यहाँ तक कि सुशील के बारे में पल पल की अपडेट लेते रहते थे कि सुशील ने अब खाया कि नहीं खाया, क्योंकि सुशील नॉन वेजिटेरियन है दोस्तों। जहाँ पर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि वो खाना नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं छूते, उनको नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, और वो जीव हत्या के खिलाफ हैं, पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, और उनको शाकाहारी खाना ही पसंद है। तो ऐसे में उनका परिवार हमेशा उनकी डाइट को लेकर फिक्र सताता था, लेकिन परिवार में सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वो एक ही बच्चे को आगे बढ़ा सके। तो उनका चचेरा भाई संदीप को अपने सपने को तोड़कर घर पर बैठ के कुछ और काम ध्यान लगाना पड़ा। लेकिन ऐसे में सुशील ने उनको पूरी तरीके से उनकी मेहनत बर्बाद नहीं करी, मेहनत पर खरे उतरे। पिता के ड्राइवर होने के बावजूद भी उन्होंने पहलवानी में जो करके दिखाया, वो करोड़ों युवाओं के लिए एक अलग ही मिसाल बन चुकी है। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि अब जो पहलवान पहलवानी कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो आप किसकी तरह बनना चाहते हो, वो कहेंगे सुशील कुमार की तरह। लेकिन जब से हत्याकांड मामले में फंसे हैं, तब से देश के नए युवा पहलवानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो पहलवानी करें या ना करें। लेकिन आपको बता दें, किसी एक को देखकर आप जज ना करें, आप अपने करियर को देखें, आप अपने आप को देखें, और भारत देश के गौरवान्वित करने के मौक़ों को देखें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।